और गाइस, तो आज फिर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक, छोटा ही रखूंगा, वीडियो बड़ा छोटा होगा। वो ये कि जब लोग अमेरिका आते हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अमेरिका आने के अगेंस्ट हूँ। आजकल लोग बहुत पैसा इंडिया में, बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा। उस काम को करो जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है आराम से। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं, ठीक है, दैट्स ऑफ नो यूज़। अगर आप क्लास वन है तो क्लास टू थ्री फोर है, आप भेजिए अमेरिका हो, आपका इंडिया में कुछ नहीं बनने वाला। अब यहाँ आ जाओ, रिक्शा चलाते हो इंडिया में, यहाँ आ जाओ, बेस्ट है। गाड़ी चलाते हो इंडिया में, यहाँ आ जाओ, बहुत बढ़िया पैसे बनाओगे और बहुत तरक्की करोगे, ठीक है ना। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है, आप अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, अच्छे स्कूल से पढ़े हो, तो आप इंडिया में रहो। आई एम श्योर यू आर डूइंग वेरी वेल इन इंडिया। आपके पेरेंट्स वगैरह ने काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई होगी, उसको यूटिलाइज करो एंड यू कैन रीच बिगर हाइट्स। तो ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आप चाहे जो जाओ, किसी तरह से आप इंडिया में ही रहो फिर। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ गए हो, चाहे आप क्लास वन हो, फिर क्लास टू थ्री फोर को तो मैं कह ही रहा हूँ यहाँ आ जाओ। अगर आप क्लास वन भी यहाँ आ ही गए हो, तो आप एक मिस्टेक कभी ना करना। वो मिस्टेक है ग्रीन कार्ड को अप्लाई ना करने की मिस्टेक। काफ़ी बंदे चाहे वो क्लास वन है, वो सोचते हैं यार मैं तो इंडिया चले जाऊँगा, मेरे को जरूरत ही नहीं है ग्रीन कार्ड अप्लाई करने की, आई शुड नॉट अप्लाई फॉर द ग्रीन कार्ड। ये गलती कभी ना करना, ये गलती जहर की तरह काम करेगी। इस कंट्री में एमएस करने के बाद, एक आधा साल काम करने के बाद, ओपीडी सीपीडी पे आप इंडिया नहीं जा सकते फिर। याद रखना इस बात को, इंडिया में जाओगे एक दो साल आके फिर वापस आ जाओगे। बड़ी मानवीय बातें हैं ये। अमेरिका की जो लाइफ है ना, उसको आप अंडरमाइन कर रहे हो। आपको नहीं मालूम कैसे एक दूसरे को पकड़ के लेती है आपको। आप ये सोचने लग जाओगे कैसे मैं घर वालों को या बुला लूँ, पर ये नहीं आप कर सकोगे। आप इंडिया चले गए, वही घर वाले आपको काटने को दौड़ेंगे। यस, जो आपको सोसाइटी है वो आपको पसंद नहीं आएगी वहाँ पे। देर आर रीजन्स, मैं रीजन्स कभी बनाऊंगा कि क्या रीजन मुझे नजर आते हैं इंडिया के अंदर, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बड़े बड़े तौर पे इस बात को समझ लो कि अमेरिका से इंडिया जाना इम्पॉसिबल है, अगर आप वीज़ा पे नहीं, अगर अपना ग्रीन कार्ड आ चुका है। ये इम्पॉसिबल बात तो क्लोज टू इम्पॉसिबल है। ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप बेसिस पे आप कभी भी इंडिया नहीं जाओगे। अगर आप वीज़ा पे हो, तो आप सारा दिन सोचते रहोगे मैं चले जाऊँगा, जा नहीं पाओगे। जाओगे तो वापस आ जाओगे, क्योंकि पैसे बहुत मिलते हैं यहाँ। स्पेशली शुरू के 10 साल वो बड़े एल्योर करते हैं, क्योंकि आपकी खर्चे होते हैं सर्वाइवल मोड वाले, और आप बाकी सब सेव कर लेते हो, तो आपको वो बस वो इंडिया जाके आपको फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि सेविंग्स हुई नहीं होती उस तरह से। तो शुरू में सर्वाइवल मोड में बड़ी चीज़ मैटर करती है। तो आप कभी भी इंडिया जाके खुश नहीं रह पाओगे और वापस आ जाओगे और लोगों के साथ नहीं डील कर पाओगे, बहुत पंगे आते हैं। तो वो सारा करके आप हमें वापस आओगे ही आओगे, ये याद रख लो। तो इसलिए पहले तो जा ही नहीं पाओगे, जो बंदे H1 वगैरह भी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जा ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है लोगों की। आज ही मैं एक बंदे से मिलाऊँ जिसने बोला, मैं शुरू के दिनों में मेरे दिमाग में था कि मैं एक दिन इंडिया तो चले जाना, तो ग्रीन कार्ड की फाइल करना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ गाइस, ग्रीन कार्ड फाइल करने में $2,000-3,000 लगते हैं फर्स्ट स्टेज के, बाकी उसके प्रोसेसिंग में और भी पैसे हैं। फर्स्ट स्टेज के $2,000-3,000 लगते हैं, उस $2,000-3,000 के चक्कर में वो बंदा स्टार्ट नहीं करता। तो ग्रीन कार्ड में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपने किस डेट को फाइल किया, उसको प्रायोरिटी डेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपकी प्रायोरिटी डेट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपकी जल्दी कितनी जल्दी ग्रीन कार्ड आएगा। आपने सुना है 15 साल की वेट है, तो जो ऑब्वियसली जल्दी कर देगा तो 15 साल पहले उसके आ जाएंगे, 10 साल पहले उसके आ जाएंगे, राइट। उसको प्रायोरिटी डेट बोलते हैं फाइलिंग डेट को। तो वो फाइलिंग डेट या प्रायोरिटी डेट आप जल्दी से जल्दी लो, मैं तो कहता हूँ इंडिया से ही लो। आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। चलो, स्टूडेंट वीजा पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। लोग स्टूडेंट वीजा खत्म होते हैं, ओपीडी सीपीटी भी आते हैं, फिर H1 आने के बाद अप्लाई करते हैं। यू कैन अप्लाई बिफोर एंड ऑल्सो यू कैन इवन अप्लाई इट इन इंडिया। People do not know these things. लोग इन बातों को जानते नहीं है, राइट, और वो अपना नुकसान कर लेते हैं, वेट करते रहते हैं सारा दिन। चलो, जो रेगुलर पाथ है, हैप्पी पाथ है, उसमें लोग ओपीटी सीपीटी के आने के बाद H1 के ऊपर तो करते हैं ना। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा था यहाँ पे, जो लोग H1 आने के बाद कहते हैं उनको तो ग्रीन कार्ड फाइल ही नहीं करना। ऐसे लोग बड़ी पॉइजनस लाइफ बन जाती है उनकी, आके जाके ऐसा पछताते हैं ना, ये एक लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने टाइम से ग्रीन कार्ड भी नहीं फाइल किया। इसलिए मैं आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे रहा हूँ कि चाहे क्लास वन हो चाहे क्लास टू थ्री फोर, अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो ग्रीन कार्ड के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, क्योंकि ग्रीन कार्ड के बगैर अमेरिका के अंदर आपकी लाइफ जानवरों वाली रहेगी। आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जानवरों वाली रहेगी। विदाउट लाइक अ जानवर, आप जानवर बन जाओगे। तो आप अपनी जानवरियत से निकलो और ग्रीन कार्ड के पीछे पड़ जाओ। ग्रीन कार्ड को पहले दिन अप्लाई करने के हिसाब से सोचने लग जाओ कि कैसे ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है। और जो ये बंदे गलती करते हैं, लाइफ लॉन्ग उनको रिग्रेट रहता है कि मैंने डिले क्यों की थी। वो 2-3 साल की उन्होंने डिले की होती ना, तो उनको लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहता है कि मैंने वो क्यों की थी, मैंने इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर गया, मुझे मालूम ही नहीं था कुछ, मुझे किसी ने बताया नहीं। अब मैं बैठा हूँ बताने के लिए आप लोगों को,
जो आपके फ्रेंड्स अमेरिका गए हैं रिसेंटली, आप उनके साथ मेरे छोटा सा वीडियो जरूर शेयर करो। वैसे मैं कभी वीडियो शेयर करने के लिए ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मेरे को लगता है कि पता नहीं क्यों सारे वीडियो वाले बोलते हैं, मुझे लगता है आप शेयर करना लोग अपने भी कर लेंगे, पर ये वीडियो जरूर शेयर करो। उनको पता होना चाहिए कि ग्रीन कार्ड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड इट्स अ गेम चेंजर, एंड विदाउट दिस देयर लाइफ विल बी हेल। वो जितना मर्जी सोचे मैं एक दिन इंडिया चले जाऊँगा, मैं नहीं कुछ यहाँ पे रहूँगा, वो नहीं जा पाते, वापस यहीं रहते हैं कुछ ना कुछ करके, मतलब दे कैन नॉट गो बैक टू इंडिया। बड़ा बहुत ही अनकॉमन है कि इंडिया जा सके, ठीक है। तो ये प्लीज़ इस सारे अपने फ्रेंड्स को जो फॉरवर्ड करो। थैंक यू गाइस, थैंक्स।